हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सोशल साइंस पर, या जीके जीएस भी कह सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी विद्यार्थी के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जिसका टॉपिक है राज्य और लोकसभा की सीटें। इसी पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको सभी राज्यों के लोकसभा की सीटों के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है राज्य और लोकसभा की सीटें। तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 80। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें लोकसभा की सीटें हैं 48। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जिसमें लोकसभा की सीटें हैं 42। चौथे नंबर पर है बिहार, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। पाँचवें नंबर पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39। छठे नंबर पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। सातवें नंबर पर है कर्नाटक, कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं 28। आठवें नंबर पर है गुजरात, गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं 26। नौवें नंबर पर है राजस्थान, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। दसवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 11वें नंबर पर है उड़ीसा, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 12वें नंबर पर है केरल, केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। 13वें नंबर पर है तेलंगाना, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। 14वें नंबर पर है असम, असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड, झारखंड में भी 14 लोकसभा की सीटें हैं। 16वें नंबर पर है पंजाब, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 17वें नंबर पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 18वें नंबर पर है हरियाणा, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। और 19वें नंबर पर है दिल्ली, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 20वें नंबर पर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 21वें नंबर पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 22वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 23वें नंबर पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगला अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। उसके बाद के जो राज्य है, जैसे नागालैंड, नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में लोकसभा की भी 1 सीट है। दमन और दीव में भी लोकसभा की 1 सीट है। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली में भी लोकसभा की 1 सीट है। अगला है अंडमान निकोबार, इसमें भी 1 लोकसभा की सीट है। अगला है पांडिचेरी, पांडिचेरी में भी लोकसभा की 1 सीट है। और मिजोरम, मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीट है। सिक्किम, सिक्किम में भी लोकसभा की 1 सीट है। और लास्ट जो है लद्दाख, लद्दाख में भी लोकसभा की 1 सीट है। तो भारत में कुल मिलाकर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है, जो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, वहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वीडियो पसंद है इस पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।